अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विंडोज एक्सप्लोरर। कंप्यूटर के अंदर हम जब भी कोई विंडो ओपन करते हैं, यानी जब हम कोई डिफरेंट फोल्डर ओपन करते हैं, तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास आइकन है दिस पीसी का। मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। विंडोज 10 में इस आइकन का नाम दिस पीसी है, जबकि आप विंडोज 10 से कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं विंडोज का, तो वहाँ पर यही आइकन आपको कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के नाम से मिलेगा। बहरहाल जो भी नाम हो, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। रीनेम करने का तरीका आपको पता है। जो भी नाम हो, इसका फंक्शन जो है वो सेम है। हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास दिस पीसी की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास ये टाइटल बार है। टाइटल बार इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस विंडो का नाम आ रहा है, यानी कि टाइटल आ रहा है। इस वजह से इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड पर हमारे पास तीन विंडोज कंट्रोल बटन है, जहाँ से हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज यानी कि हाफ स्क्रीन या फुल स्क्रीन पर इसे ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज यानी कि हम इसे अपनी टास्क बार पर कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये तीन बटन यहाँ पर टाइटल बार पर मौजूद हैं। इस टाइटल बार के नीचे हमारे पास चंद एक रिबन टैब्स मौजूद हैं, जिसमें से हम अपनी कोई भी रिबन टैब को ओपन कर सकते हैं और उस रिबन टैब्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं। रिबन टैब्स के नीचे हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन मौजूद है, जहाँ से हम फॉरवर्ड यानी आगे मूव कर सकते हैं और बैक यानी कि पीछे मूव कर सकते हैं। इन फॉरवर्ड और बैक वाले बटन के सामने हमारे पास एड्रेस बार या एड्रेस बॉक्स मौजूद है, जहां पर किसी भी फाइल या फोल्डर का कंप्लीट एड्रेस आ रहा होता है। एड्रेस बॉक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है सर्च बॉक्स, जहां से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, यानी कि तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर साइड पर हमारे पास ये नेविगेशन पैनल है, जहाँ से हम किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे हमारे पास स्टेटस बार है, विंडो से रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पर ये हमारे पास मेन वर्किंग एरिया है, जहाँ से हम अपनी किसी भी फाइल या फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, बेशक उसे रीनेम करना हो, डिलीट करना हो, कॉपी पेस्ट या जो कुछ भी एक्शन उस पर हमने अप्लाई करना हो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये था विंडोज एक्सप्लोरर का ओवरऑल व्यू। ये ऊपर हमारे पास टाइटल बार है, ये तीन विंडोज कंट्रोल बटन है, ये रिबन टैब्स हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड और बैक का बटन मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास एड्रेस बॉक्स है, ये सर्च बॉक्स है, ये नेविगेशन पैनल है, ये नीचे स्टेटस बार है और ये हमारे पास वर्किंग एरिया है। उम्मीद करता हूँ विंडोज एक्सप्लोरर के जो बेसिक ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस नेविगेशन पैनल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मैं लोकल डिस्क सी के अंदर अगर जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पर लोकल डिस्क सी के अंदर आ गया हूँ। इसी नेविगेशन पैनल में हर एक आइकन के साथ एक एरो भी मौजूद है। अगर इस एरो पर हम क्लिक करें तो इस ड्राइव या फिर अगर ये फोल्डर हो तो इसके अंदर जो भी फाइल या फोल्डर है उनको भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर मैं इमेज वाले फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ और इमेज वाले फोल्डर के अंदर मजीद जो फोल्डर हैं अगर उनके अंदर भी मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ से इस आइकन पर अगेन मैं क्लिक करूंगा तो इमेज वाले फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स होंगे उनको भी मैं यहाँ से डायरेक्ट नेविगेशन पैनल से एक्सेस कर सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हम लोकल डिस्क सी से डायरेक्ट लोकल डिस्क डी के अंदर और डी के अंदर हम इमेज वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से किसी भी और फोल्डर के अंदर मूव करना चाहूँ तो वो डायरेक्टली मैं इस नेविगेशन पैनल से कर सकता हूँ। बहरहाल हमारी इस ड्राइव डी के साथ जो आइकन है एरो वाला, इसको मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ ताकि दोबारा से ये फोल्ड हो जाए और यहाँ से डायरेक्ट मैं दिस पीसी के अंदर आना चाहता हूँ, यानी डायरेक्ट दिस पीसी के अंदर नेविगेट करना चाहता हूँ। जस्ट मैं क्लिक करूंगा और दिस पीसी के अंदर आ गया हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस नेविगेशन पैनल को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये जस्ट हमारी आसानी के लिए है, यानी जिस फोल्डर को हम ज्यादा एक्सेस करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो उस फोल्डर को हम डायरेक्ट इस नेविगेशन पैनल से नेविगेट कर सकते हैं।
अब जरा हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और बैक वाले बटन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं लोकल डिस्क डी यानी कि डाटा वाली ड्राइव को ओपन करता हूँ, इमेज वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसके अंदर मजीद मैं आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन इसको ओपन करता हूँ और ये देख सकते हैं कि मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। अब अगेन मैं यहाँ से बैक पर जाना चाहता हूँ यानी कि दिस पीसी के अंदर, तो मैं इस बैक वाले बटन पर क्लिक करूंगा। एक दफा बैक हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अगेन दिस पीसी वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से वापस मैं उसी फोल्डर में अगर जाना चाहता हूँ आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन में, तो मैं इस फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करूंगा और ये देख सकते हैं कि वापस मैं उसी पोजीशन पर आ गया हूँ। यहाँ से बैक लोकेशन पर जाना चाहें तो बैक वाले बटन को, और अगर यहाँ से फॉरवर्ड जाना चाहें तो हम इस फॉरवर्ड वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम आए थे, यहाँ तक ही इस फॉरवर्ड बटन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एड्रेस बार है या एड्रेस बॉक्स है, इसके अंदर इस आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन वाले फोल्डर का कंप्लीट एड्रेस आ रहा है, यानी कि हम दिस पीसी के अंदर आए, फिर डाटा के अंदर, फिर इमेज के अंदर, फिर आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन, तो ये इस फोल्डर का कंप्लीट एड्रेस है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी जो फाइल या फोल्डर होता है उसका एक कंप्लीट एड्रेस होता है, तो आप वो एड्रेस यहाँ पर इस एड्रेस बॉक्स से देख सकते हैं। एड्रेस बॉक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सर्च बॉक्स मौजूद है। सर्च बॉक्स का ये फायदा है कि हम अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फाइल का नाम प्रॉपर होना चाहिए। आप यहाँ पर जो सर्च करते हैं वो फाइल के नेम के लिहाज से सर्च करते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर उन फाइल्स को सर्च करना चाहता हूँ जिनके नाम के साथ 15 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैं यहाँ पर 15 इंटर करता हूँ और उसके बाद इस एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये देख सकता हूँ मैं रिजल्ट कि ये तीन ऐसी फाइल्स हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज 15 आ रहा है। और इसी तरह से अगर नेम यहाँ पर प्रॉपर होते तो वो प्रॉपर नेम वाली फाइल्स भी यहाँ पर ओपन हो जाती। अगर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस की पिक्चर्स होती और उनके नेम प्रॉपर होते तो मैं नेम के साथ उस डिवाइस को सर्च कर सकता हूँ। फर्ज करें माउस की पिक्चर्स को मैं सर्च करना चाहता तो यहाँ पर मैं माउस टाइप करता और सारी माउस की पिक्चर्स आ जाती, लेकिन याद रहे कि ये जो हम सर्च करते हैं ये नेम के लिहाज से करते हैं। कंप्यूटर को नहीं पता कि इस इमेज के अंदर क्या है, वो जस्ट नेम के लिहाज से यहाँ पर सर्च करता है। आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन के अंदर सिर्फ हमें 15 नेम वाली फाइल्स हमें नजर आ रही हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और दोबारा से हम यहाँ पर सारी फाइल्स को देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। क्लोज सर्च पर क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं कि दोबारा से हमें सारी फाइल्स मिल रही हैं। नेक्स्ट हम यहां पर आ जाते हैं व्यू वाली रिबन टैब के अंदर। व्यू वाली रिबन टैब्स के अंदर आप इन फाइल्स का व्यू चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहां पर मीडियम आइकन पर क्लिक करता हूं तो ये देख सकते हैं कि फाइल्स का व्यू जो है वो छोटा हो गया है, और अगर मैं यहां पर लार्ज पर क्लिक करता हूं ये देख सकते हैं इनका व्यू बड़ा हो गया है। एक्स्ट्रा लार्ज पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं इनका व्यू ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ से आप इनका व्यू चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर इमेज या वीडियो फाइल्स हैं तो एटलीस्ट उसका मीडियम आइकन लाजमी रखें या लार्ज आइकन, ताकि आप डायरेक्ट उसका व्यू यहाँ से हासिल कर सकें। और अगर आप डिटेल या लिस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये आप इनका व्यू यहाँ से नहीं देख सकते। तो वीडियो और इमेज के लिए फिर जरूरी है कि आप यहाँ पर इसका मीडियम आइकन या लार्ज आइकन ही टिक करें, ताकि आप यहाँ पर इन फाइल्स का व्यू डायरेक्टली देख सकें। तो ये थे चंद एक ऑप्शन जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मैं जरा अपनी वीडियो को सम अप कर लेता हूँ। हमारी इस वीडियो का टॉपिक था विंडोज एक्सप्लोरर, जिसमें हमने विंडोज के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारे पास टाइटल बार है, ये विंडोज कंट्रोल बटन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास रिबन टैब है, फॉरवर्ड और बैक का बटन यहाँ पर मौजूद है, ये नेविगेशन पैनल है, ये हमारे पास एड्रेस बॉक्स है, ये हमारे पास सर्च बॉक्स है, और ये हमारे पास मेन वर्किंग एरिया है, एंड लास्ट पर ये हमारे पास स्टेटस बार है।
जहां पर हम किसी भी फाइल या फोल्डर का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। फिर हमने इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके भी देखा, यहां से हम अपनी विंडोज को क्लोज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस की मदद से हम किसी भी फोल्डर के बैक या फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। यहां पर हम किसी भी फाइल या फोल्डर का एड्रेस यहाँ से हमने सर्च करके भी देखा। अगर आप किसी भी फाइल को तलाश करना चाहें, उसका नाम अगर आपको पता है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हमने मुख्तलिफ फोल्डर के दरमियान नेविगेट करके भी चेक किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।